एक और टीम इनके काफी ज्यादा करीब आ चुकी है और वो रहेगी टीम एक्सपार्क की। यस, एक्सपार्क के प्लेयर्स वो भी अब इस फाइट में आगे बढ़ेंगे और सारंग ने शुरुआत कर दी है। नियो को यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा सारंग की तरफ से और अब सारंग नियो को तो बख्शने वाले हैं नहीं। शैडो ओजी वो आगे आएंगे जरूर यहाँ पे सारंग से 1v1 के फाइट लेने की कोशिश जरूर करेंगे। लेट्स सी क्या यहाँ पे शैडो को टेक डाउन किया जाएगा। फिलहाल 1v1 की फाइट रहने वाली है। डीबीएस पे आप इतना ज्यादा भी भरोसा ना करें तो बेटर होगा। और सारंग की तरफ से पैन शैडो ओजी और नियो दोनों को पैन किया गया। यार कि सिर्फ टीएसए में नहीं, टीम एक्सपार्क भी ट्रोल करना जानती है। टीम एक्सपार रहे हैं, डैमेज दिया गया यहाँ पर आदित्य को, काफी सारा डैमेज पड़ चुका है। बट क्या यहाँ पे ज़िगोर्ड उनको नॉकआउट कर पाएंगे? हाथ में ग्रेनेड तो रहेगा, ग्रेनेड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश तो रहेगी लेकिन नॉक करना वो आसान नहीं रहेगा। ये ग्रेनेड आगे जाता है, सैयद ओपी अभी भी अपने पोजीशन पे काफी अच्छे तरीके से टके हुए रहेंगे और काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे ज़िगोर्ड को पड़ चुका है। क्लच गॉड पीछे से डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, सैयद को यहाँ पे आराम से संभाला जाएगा ज़िगोर्ड की तरफ से। हालांकि ज़िगोर्ड काफी ज्यादा लेट थे बट फिर भी उन्होंने सैयद को नॉक करा, एलिमिनेट। लौते प्लेयर बचे हुए सामने में, तीन तीन प्लेयर इनकी तरफ में आएंगे। सारंग यहां पर आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिलेंगे, क्या ज़िगोर्ड की तरफ से उनको एलिमिनेट किया जाएगा? एक बड़ा सवाल, यस और नॉक किया, एलिमिनेट किया ज़िगोर्ड। 1v2 क्लच कर चुके हैं, 1v3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लाउन अभी के लिए गॉड यहां पर आगे बढ़ेंगे और ये घर कहीं ना कहीं टीम गॉड लाइक का रहने वाला है। इस घर में आपको टीम गॉड लाइक को हराने के लिए काफी कुछ करना पड़ेगा। क्लाउन गेमिंग को निंजा जॉन ने खत्म करा और सैयद को काफी ज्यादा डैमेज दे चुके हैं ज़िगोर्ड। एक 1v1 की ये फाइट रहने वाली है, सैयद ओपी बहुत ज्यादा मुश्किल में। 1v3 क्लच इनकमिंग एंड 1v3 क्लच किया जाएगा ज़िगोर्ड की तरफ से। टीम